हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की ये वीडियो है, हम इस पे डिस्कस करने वाले इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज इन एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जनरली तो हम CSIR नेट गेट को ही कवर करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और अगर आप देते हैं टेस्ट सीरीज तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और कैसे आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए और उससे आपको क्या सीखना चाहिए। तो ये सब बात हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और आई होप आपके ये वीडियो काम आए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि टेस्ट सीरीज देना क्या कंपलसरी है, मतलब टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल ज़रूरी है किसी एग्ज़ाम की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आप बिल्कुल मस्ट पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज बिल्कुल ज़रूरी है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल तो ज़रूरी नहीं है। पर इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी उस एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और अच्छे से आपने उन्हें लगाया है तो आपको टेस्ट सीरीज इतना देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सीरियस तरीके से ही मतलब प्रीवियस ईयर भी लगाते हैं या असाइनमेंट करते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी उसी दौरान आपका अच्छा रहता है, तब तो आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि आपके साथ टाइम मैनेजमेंट का इशू है और अभी भी आपको लगता है कि आप क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाने में गलती कर जाते हैं, तो आपके लिए सीखने के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है, तब आपको टेस्ट सीरीज ज़रूर देनी चाहिए। और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको एक कंपटीशन का पता चलता है और एक आइडिया हो जाता है पेपर का कि आप पेपर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो इसीलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और तब आप डिसाइड करें कि आप टेस्ट सीरीज लें या ना लें। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टेस्ट सीरीज अगर हम लेते हैं और या टेस्ट सीरीज देते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम इसको हैंडल कैसे करें, क्योंकि कई बच्चे अभी भी हैं जिनका कोर्स कम्प्लीट नहीं हुआ है, या जनरली होता भी ये कि टेस्ट सीरीज पहले चालू हो जाती है और कोर्स उस टाइम पर चल ही रहा होता है, तो हम दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपने टाइम को हाफ़ हाफ डिवाइड कर लें, मतलब आप टेस्ट सीरीज़ का भी पढ़ें, जिसका भी टेस्ट आपका रोज़ हो रहा है उसको भी पढ़ें, और साथ में अपने हाफ टाइम में अपना सिलेबस भी कंप्लीट करें। मतलब ना ही आप टेस्ट सीरीज़ के लिए सिलेबस को छोड़ें और ना ही आप सिलेबस के लिए टेस्ट सीरीज़ को छोड़ें, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे है कि टेस्ट सीरीज से सर हम मतलब क्या सीखेंगे, और उल्टा हमें तो टेस्ट सीरीज से प्रेशर आता है या जब हमारे कम नंबर आते हैं तो मैं बहुत डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो कैसे हम इसको हैंडल करें। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि टेस्ट सीरीज देखो मार्क्स लाने के लिए नहीं है, कि अगर आपको ये लगता है कि आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपको फर्स्ट आना है बिल्कुल, या टॉप 10 में आना है या टॉप 15 में आना है, मैं ये कहूँगा आपको कि टेस्ट सीरीज सीखने के लिए, मतलब आप जितना ज़्यादा सीखें उतना ज़्यादा बढ़िया। अगर आपको किसी से कंपटीशन करना ही है तो आप खुद से करें, और आप देखें जैसे आप पहला टेस्ट आज दे रहे हैं तो आप कल जो टेस्ट दे रहे हैं उसका उसमें आप बेटर हो पाए कि नहीं हो पाए, मतलब आप कल आज से बेटर है कि नहीं है, मतलब आपको रोज़ खुद में सुधार करना है। और कई ऐसे चैप्टर भी होंगे जिनमें आप वीक होंगे, तो आप जब टेस्ट सीरीज देंगे तो चैप्टर वाइज भी देंगे, मेजर भी देंगे, माइनर भी देंगे, तो आप ये देखें कि उन चैप्टर में भी आप बेटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर मानो आपका पहला वाला ख़राब चला गया, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आप उस चैप्टर के क्वेश्चन दोबारा करते हैं तब आप बेटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको बस खुद से बेहतर होना है। अगर आप मतलब हमेशा स्टूडेंट्स को देखते रहेंगे और उनका पीछा करते रहेंगे कि मतलब रैंक का पीछा करते रहेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए इस चीज़ को हैंडल कर पाना, और आप इसको नेगेटिव वे में ले जाएंगे टेस्ट सीरीज़ को एज़ कंपेरिजन टू पॉजिटिव वे की तरफ। अगर आपको मैं अपना बताऊँ तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि कभी कभी मेरी रैंक काफ़ी पीछे आती थी, कभी अच्छी आती थी, तो पर मैंने कभी रैंक का नहीं सोचा है, मैंने हमेशा यही सोचा कि क्या कहते हैं कि पिछले वाले से बेटर हो पाया कि नहीं हो पाया, और इसी से मेरे को फ़ायदा मिला और एग्ज़ाम में ये मेरे बहुत काम आया। तो इसीलिए आप भी इसी स्ट्रेटेजी को अपना सकते हैं। अब नेक्स्ट है, आप ये जानना चाह रहे थे कि आप टेस्ट सीरीज देते हैं और उनमें बहुत गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो कोशिश करें उनमें जो भी गलतियाँ हुई होती हैं उन्हें आप अपने किसी बैक पेज में लिख लें, या किसी एक सेपरेट कॉपी बना लें छोटी सी, उसमें लिख लें कि आपसे ये गलती हो रही है, चाहे वो
किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में गलती हो, चाहे जल्दीबाजी में कोई क्वेश्चन आपने गलत कर दिया हो, चाहे आपने पढ़ने में गलत कर दिया हो, चाहे आपने कैलकुलेशन में गलत कर दिया हो, और चाहे आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया हो, मतलब जो भी गलती आपसे हो रही है ना, उसे आप एक कॉपी में लिख लें। और सेकंड, जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हैं ना, कोई भी टेस्ट देते हैं पहला, तो उसका सॉल्यूशन कोशिश करें उसी दिन आप कर लें, मतलब टेस्ट देने के बाद उसी दिन आप पूरा सॉल्यूशन कर लें, और या नेक्स्ट डे तक कर लें, और एक जगह लिख लें, और जो भी गलत हुए थे ना उनमें ज़रूर टिक मार लें, और सारे नहीं लिखते तो कम से कम जो गलत हुए थे उनको ज़रूर लिख दें, ताकि आपको याद रहे कि मेरे गलत हुए थे। अब जब भी आप नेक्स्ट टेस्ट देने जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने जो पुराना जो पेपर गलतियाँ लिखी हैं उसे ज़रूर रिवाइज करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि आपको इस टेस्ट में, नए टेस्ट में पुरानी वाली गलतियाँ नहीं करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पूछ रहे थे कि सर कुछ ऐसे टेस्ट आ रहे हैं जिनका कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और तो मैं उन्हें कैसे अटेम्प्ट करूं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने उन टेस्ट को छोड़े मत, उन टेस्ट को अभी कर लें, क्योंकि इससे होगा क्या, एक तो आपका मतलब फ्रिक्वेंसी बनी रहेगी जो आप रोज़ टेस्ट दे रहे हैं, सेकंड आप इसे ऐसा समझिए कि मतलब एग्ज़ाम भी जब आएगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी होगी और वो भी आएगी, तो आप उनको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, या मतलब ये भी लगा लीजिए कि मतलब आप बिल्कुल डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए तो कैसे आप क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, तो एक प्रेशर आप मतलब कैसे हैंडल करेंगे तो आप सीखेंगे वहाँ पे, तो इसलिए आप उन क्वेश्चनों को भी लगा लें और वहाँ पे जो भी गलत होगा उसे आप लिख लें। और उसके बाद हर टेस्ट सीरीज में ये ऑप्शन होता है कि आप 2-3 बार उस टेस्ट को दे सकते हैं, तो जब आपका एग्जाम हो जाएगा या सॉरी जो चैप्टर हो जाएगा तब आप दोबारा दे सकते हैं वो टेस्ट को, तो मतलब आप स्किप ना करें टेस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी बनाए रखें और उसको एज ए चैलेंज लें, जो आपने नहीं करा फिर भी आ रहा है तो थोड़ा बहुत क्या पता आपको आइडिया सॉल्यूशन देख के पता चले और ये आपके बाद में काम आए। मानो जैसे आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का टेस्ट है और आपको लगता है कि टॉपिक अभी हुआ नहीं है या मैं बाद में करूँगी या नहीं करूँगा, तो फिर भी आप इसे दे दें, इससे क्या होगा कि मानो आपने उसके सॉल्यूशन देखे तो क्या पता कोई क्वेश्चन एग्जाम में वो रिपीट हो जाए, आपके काम आ जाए, भले ही आपने ये कोर्स या टॉपिक कंप्लीट नहीं किया, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि टेस्ट सारे ही दें और अच्छे से दें। अब एक लास्ट बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब भी आप टेस्ट देते हैं ना, तो कोशिश करें कि एक ही सिंगल टाइम में दें, मतलब सेम टाइम में ही दें रोज़, जैसे आप मानो आज 2 से 5 का आपने टाइम बना रखा है तो हमेशा 2 से 5 के ही टाइम पे टेस्ट दें, और कभी भी ऐसा ना करें कि मानो आपका कल किसी हार्ड सब्जेक्ट का टेस्ट है या पहले में कम आए थे तो अब आप सोचोगे कि नहीं मैं पहले जितना पढ़ सकती हूँ उतना पढ़ूंगा और तब टेस्ट दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने सोचना है कि आपको बस अपने फिक्स टाइम में ही टेस्ट देना है, चाहे आपकी तैयारी पूरी है चाहे अधूरी है, और चाहे आप को लगता है कि मेरे कुछ नहीं आता, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप ना प्रेशर को हैंडल करना सीख जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एग्ज़ाम में कितना पढ़ लें, कितना पढ़ के चले जाएं, फिर भी देखना जब आप कंप्यूटर के सामने बैठेंगे या एग्ज़ाम देने वाले होंगे ना, तब भी आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता, तो मतलब ये कंडीशन आपके साथ हमेशा ही रहनी है कि आप हमेशा आपको लगेगा कि मतलब थोड़ा कुछ रह गया है, तो इसलिए आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक फिक्स टाइम बना लें, एक आदत बना लें कि हाँ मेरा टेस्ट होता है, मुझे टेस्ट देना है, चाहे मैंने कितनी भी प्रैक्टिस करी है, कितना भी पढ़ा है, और चाहे मेरे को कैसा भी लग रहा है, पर मुझे टेस्ट देना है, मैं किसी भी कंडीशन में टेस्ट देने के लिए सक्षम हूँ, तो मतलब आपको खुद को इतना तैयार करना है, तो कोशिश करें कि टेस्ट हमेशा एक टाइम पे दें और रिवीजन अच्छे से करें टेस्ट से पहले, पर कभी भी टेस्ट का टाइम ना लें, ठीक है ना। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।